आज हमारी रेगुलराइजेशन कर दो, हम आपका कल वेलकम करेंगे, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, लेकिन रेगुलराइजेशन के बिना आप लोगों के लिए रैलियां करना मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए कंपेनिंग करना मुश्किल हो जाएगा। डिलिमिटेशन कमीशन की फाइनल रिपोर्ट जो है वो आ गई है, इसका अर्थ ये है कि आने वाले समय में जल्द इलेक्शन हो सकते हैं। डेली वेजर जो हैं वो लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और कल भी इन्होंने काफ़ी हंगामा किया था। इससे पहले भी कभी ये गवर्नर हाउस का घेराव करने के लिए निकलते थे, तो कभी पीएमओ के सरकारी आवास का घेराव और कभी रविंद्र रैना के सरकारी आवास का घेराव करने के लिए निकलते थे। लेकिन रिजल्ट क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जब आए थे तो इनको 75 रुपये जो थे वो दिए गए, और आज मेयर साहब की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उन्होंने भी कहा है कि लगभग 50-60 डेली वेजर जो हैं वो उन्होंने पक्के कर दिए हैं शायद। अब बात यह है कि स्थितियां किस तरफ जा रही हैं, होने क्या वाला है, बात करने के लिए हमारे साथ पीएचई डेली वेजर्स के कार्यकर्ता हैं, सरताज जी हैं और रवि जी भी हमारे साथ है। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, लगातार प्रदर्शन, कल के प्रदर्शन के बाद क्या लग रहा है आपको, किस तरफ स्थितियाँ गई? दीपक जी, आपका और स्टेट समाचार का शुक्रिया। मैं राजेंद्र सिंह ताज, मेंबर पीएचई एम्प्लॉय यूनिट फंड, मेरे साथ मेरे भाई रवि हंसी। एक तो आपने 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे पूछ लिए, तो मैं जैसे आपने लास्ट वाला बोला तो मैं लास्ट से शुरू करता हूँ। जैसे आपने ये कहा कि मेयर साहब ने जो ये घोषणा की है कि हमने कोई 60 के करीब डेली वेजर कैजुअल लेबर रेगुलाइज किए, वो मुंसिपल कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज थे जो काफ़ी टाइम से वहाँ काम कर रहे थे। वो रूटीन वर्क जो पोस्टें खाली होती हैं, मेयर साहब नहीं होते, इनकी जगह अगर सिर्फ कमीशनर होते, कॉरपोरेशन नहीं, तब भी वो रेगुलराइज होते, अगर कोई और मेयर होते तब भी वो रेगुलर, एक रूटीन वर्क है। रूटीन वर्क को ये वाहवाही लेने के चक्कर में रहते हैं। जैसे हमारे 75 रुपये बढ़ाए पीएम साहब के आने से पहले सरकार ने, तो कल मेयर साहब भी बोल रहे थे और बीजेपी के तमाम लीडर ये बोल रहे, देखिए हमने 75 रुपये बढ़ाए, तो शायद या इनको ग्राउंड की नॉलेज नहीं होती या इन नारों से जीत के यहाँ पहुँचे, ग्राउंड की इनको स्थिति बिल्कुल कमज़ोर रही है। देखिए 2100 था 2007 में, फिर वो 3300 हुआ, 3300 मीन्स 2100 का मतलब 70 रुपये दिहाड़ी था, फिर 100 करीब करीब हमारा होगा 110 हुआ, 110 के बाद वो करीब 125 हुआ, 125 के बाद 150 हुआ, 150 के बाद 225 हुआ, 225 के बाद आज 300 हुआ। इसमें कौन सा एहसान है? महंगाई के अलावा जब परमानेंट एम्प्लॉयज़ को महंगाई का अलाउंस दिया जाता है तो हमारा भी एक सरकार ने सेट प्रोसेस बनाया है, 3 मिनिमम 3 ईयर्स मैक्सिमम 5 ईयर, इनको भी महंगाई भत्ता जो कह लीजिए या जैसे इंडेक्स बढ़ता है उसी हिसाब से देना होता है। वो जो ये 75 रुपये कह रहे हैं पर डे, वो करीब करीब आप देखिए वो बनता था हमारा पर डे 90 रुपये के हिसाब से, वो भी इन्होंने 15 रुपये करीब करीब कम दिए, तो क्रेडिट किस बात का ले रहे हैं? दूसरा, पीएम साहब की रैली को इनको लगता था हम डिस्टर्ब करें, तो हमने 18 आपने भी कवर किया, 18 अप्रैल को जो प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद डिपकॉम थे हमारे जो पहले थे, उन्होंने हमें बुलाया था, तो उन्होंने कहा था जी कि आप ऐसा मत कीजिए, 18 को भी बुलाया था, पीएम साहब की रैली है, ही इज़ प्राइड ऑफ आवर नेशन, तो हमने कहा हम ऑलरेडी मानते हैं, वो प्राइड है हमारे, माननीय हमारे प्रधानमंत्री की चेयर पर जो भी बैठा है, और धारा 370 टूटने के बाद वो पहली बार जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, तो आप रैली में पूछना कीजिए, हम कोशिश करें आपका वेजेस इन्हांस करें, जैसे जिसको कहते हैं दिहाड़ी बढ़ाना, तो हमने उनको कहा हमें वेज इन्हांस हमारा इशू नहीं है, हमने चार्टर ऑफ डिमांड को दिखाया जो पिछले कई सालों से चल रहा है, मेरे हमने कहा सर देखिए इसमें कोई है डिमांड दिहाड़ी बढ़ाने की? हमारी डिमांड जो है रेगुलराइजेशन अंडर SR 64, पेंडिंग वेजेस जो करीब 60-70 महीने का है, और जो रेगुलराइजेशन में नहीं आएंगे SR 64 की जो पॉलिसी है उसमें, उनको मिनिमम वेजेस एज पर दिल्ली यूटी दिया जाए। हमारी ये डिमांड ही नहीं होती, ये हमारी डिमांड कुछ और होती है, सरकार अपने तरफ से एक तीर से कई निशाने साधती है, इनको लगा हम इनको दे के जो पब्लिक इनके खिलाफ है कि डेली वेजर कैजुअल लेबर जिसने कोरोना काल में अपनी जान पे खेल के बिजली पानी हो कोई भी हो, हमारे सफाई कर्मचारी हों, पुलिस के हों, हेल्थ के हों, ये 5-6 लोग जो डिपार्टमेंट इन्होंने अपनी जान पे खेल के काम किए, तो जैसे मेयर साहब पीछे हमारे छापामारी कर रहे हैं, जैसे पीएचई उनके कुछ जम्मू शहर के 4 डिवीज़न जो है म्यूनसिपल लिमिट में जो है उनके अंडर है, तो वो ये कह रहे हैं हम इनकी पे बंद करेंगे, तो पे देते कहाँ हो? अगर आप छापामारी करनी आप ड्यूटी की बात करते हो तो रेगुलर पॉलिसी
लेके आइए, जहाँ भी छापा मारा हम आपके साथ चलेंगे, जो हमारा पेंडिंग है वो लेके आइए। अगर आप उस टाइम कहते हो वो हमारे हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में, तो फिर आप काम लेना जानते हो। अगर हम कोरोना काल में काम करते हैं तो अब हम काम नहीं कर रहे। जब कोरोना काल में कोई नहीं निकल रहा था, जिस घर में 100 लीटर पानी लगता था रोज का, वहाँ 200 लीटर लगता, क्यों हर आदमी बार बार हाथ धो रहा था। तो हम कैसे ये अपने लोग जो हमने जम्मू शहर से जिता के भेजे, हम इनको कैसे ये समझाएं कि 1.5 साल आपकी इलेक्शन में रह गया, आप एम्प्लॉयज को तंग करेंगे, तो फिर आपने पब्लिक में नहीं जाना दोबारा ये कॉर्पोरेशन इलेक्शन में। ये आपने अच्छा कहा रवि जी, इस पर जवाब दे सकते हैं कि आपने जितवा के बिठाए, आपने जितवा के बिठाए थे। देखिए बिल्कुल, जम्मू की जनता ने ही वोट दिया था, उसमें डेली वेजर भी आता है, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ भी आता है और आम जनता भी आती है जो आज त्राही त्राही कर रही है। चाहे वो आम जनता की बात करें महंगाई की वजह से, तो डेली वेजर की बात करें उनके रेगुलाइजेशन का मसला हल नहीं हो रहा, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो उनको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा, और सभी जनता परेशान है। जिन लोगों ने इन लोगों को बिठाया इन कुर्सियों पे, तो आज ये उन्हीं लोगों से कट के उन्हीं को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि शायद कुर्सी का नशा ही ऐसा होता है कि जो भी कुर्सी पे बैठा, लेकिन वही जो है आम जनता को जिनके सहारे वो उस कुर्सी तक पहुँचता है, उन्हीं को भूल जाता है और उन्हीं के ऊपर अपनी ताकत दिखाना शुरू हो जाता है। तो ये ताकतें ज़्यादा देर नहीं चलती हैं, ये दोबारा उसी जनता से आमना सामना होता है। तो फिर इतिहास वही होता है जैसे आज पुराने लोग हैं, आज जिस जगह पे वो बैठे हैं, तो अगर इसी तरीका का रवैया इनका रहता है तो ये भी उसी जगह पे बैठने वाले हैं। तो जैसा आपने पहले मेरे साथी से प्रश्न किया था कि ये किस ओर जा रहे हैं, 60 आदमियों को रेगुलराइज करना, जहाँ की 60,000 की हम बात कर रहे हैं, वहाँ 60,000 लोगों को रेगुलराइज करना और उसके ऊपर एक इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मुझे लगता है कि अपना मजाक खुद बनाने वाली बात है कि 60,000 में से 60 लोगों को आप कर रहे हो, तो फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। तो मुझे कल आप GMC गए थे तो वहाँ पे मिले थे मेयर साहब? देखिए कल मेयर साहब तो कहीं निकल गए थे, शायद उनको पता चल गया कि PHE वाले आ रहे हैं, तो वो उन्होंने निकल जाना बेहतर समझा, और डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा जी आई थी तो उनके साथ बातचीत हुई है, तो उनको हमने बता दिया कि 12 तारीख से तक हमारे इन मसलों के ऊपर आप अपना स्टैंड क्लियर करें, क्योंकि आपने एक छोटा सा बिच्चू जो आपके पास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी, वो छोटा सा एक बिच्चू था, ये PHE डिपार्टमेंट इतना बड़ा सांप आपने अपने गले में डाल लिया, ये तो आपको डसेगा, क्योंकि ये PHE डिपार्टमेंट कोई छोटा डिपार्टमेंट नहीं है। आपके पास 2000 टोटल मुलाजिम था, उनको आप संभाल नहीं पाए, तो इतना बड़ा डिपार्टमेंट आपने ले लिया बिना किसी तैयारी के, आपने सोचा कि पता नहीं इसमें क्या है, ये PHE डिपार्टमेंट है, अंडरग्राउंड इसका सारा सिस्टम है। ये जब से चल रहा है PHE वालों को आज तक इसकी समझ नहीं आई कि ये पानी कहाँ से कहाँ तक कैसे पहुँचता है, तो आप इसको इतनी जल्दी समझ पाओगे मुझे नहीं लगता। और जो हमारे मसले पेंडिंग मसले हैं, जैसे हमारी रेगुलाइजेशन 28 साल से हम लोग डिमांड कर रहे हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट की हम डिमांड कर रहे हैं, पेंडिंग वेजेस की डिमांड कर रहे हैं, तो वो आप कहाँ से दे पाओगे? एक एक एम्प्लॉयज, एक एक डेली वेजर का लगभग 3.5 लाख से 4 लाख के बीच बीच में पेंडिंग वेजेस है। आपके पास अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए सैलरी नहीं होती, तो आप PHE वालों का उधार कहाँ से चुकता कर पाओगे? ये चीज़ें बिना तैयारी के सिर्फ अपने अपनी इमेज बनाने के लिए या अपनी ये कह रहे हैं कि ये देंगे GMC वाले देंगे। अब देखिए अभी तक इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, ना PHE वाले कह रहे हैं कि हम देंगे, ना GMC वाले कह रहे हैं कि हम देंगे। अभी यही चीज़ हमने उनको कल बताया था कि आप अपना स्टैंड क्लियर करें 12 तारीख से पहले, हमें रिटर्न में चाहिए कि पिछली पेंडिंग वेजेस कौन रिस्पांसिबल है, PHE डिपार्टमेंट या GMC, ये दोनों चीज़ें आपको लिख के देनी पड़ेगी, लिखित में देना पड़ेगा कि नेक्स्ट जो वेजेस हमारी है वो कौन देगा। और अभी लेटेस्ट ये अप्रैल में दिया गया है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, ना मार्च की वेजेस मिली है ना अप्रैल की मिली है, ये एक महीने की वेजेस देने में इनके हाथ खड़े हो गए हैं, तो ये पिछला हमारा कैसे दे पाएंगे? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों को पता ही नहीं है, जैसे ताजी ने कहा ग्राउंड रियलिटी इनको कुछ पता नहीं है, ये सिर्फ कुर्सी के नशे में अंधे हैं। अच्छा मैं जानना चाह रहा हूँ, आप गवर्नर हाउस से शुरू हुए थे, PMO के घर का आपने घेराव करने की कोशिश की सरकारी आवास की, फिर रविंद्र रैना जी के, अब आप GMC के पीछे क्यों पड़ गए? देखिए हमारे 4 डिवीज़न जो जम्मू के हैं, अपना PHE City 1, City 2, मैकेनिकल साउथ और मैकेनिकल नॉर्थ, ये जो अमेंडमेंट हुई है 73 और 74, उसके अंडर ये 4 डिवीज़न जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दिए गए हैं, और जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दिए गए तो इनका पूरा एक बायोडाटा बनना चाहिए था कि हमारे किस रूल के तहत हमारी रेगुलाइजेशन होगी, हमारी पेंडिंग सैलरी कौन देगा, या जो हमारा डिमांडे हैं और अदर्स डिमांडे हैं जो भी, चाहे परमानेंट की हैं डेली वेजर की हैं, तो उनका प्रोसेस क्या होगा,
किस रूल में करेंगे वो म्यूनसिपलिटी करेगी या पीएचई डिपार्टमेंट करेगा, इसके ऊपर कोई वर्कआउट नहीं किया गया पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से, और जिन्होंने अडॉप्ट किया जेएमसी ने, ना ही उन्होंने कोई वर्कआउट किया। और आप देखें कि पहली ही वेजेस जो हमें जीएमसी के अंडर आने के बाद अप्रैल की पहली वेजेस मिलनी थी, मार्च वाली मिलनी थी, मार्च वाली भी नहीं मिली, दूसरी वेजेस अप्रैल की मिलनी थी वो भी नहीं मिली। तो इससे लगता है कि ये लोग सिर्फ हवा में बातें करते हैं, सिर्फ क्रेडिट लेने के रहते हैं। जैसे 75 रुपये का आपने जिक्र किया, 75 रुपये एक रूटीन वर्क था, और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेतागण हैं सारे अपनी अपनी जगह क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, हमने बढ़ा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये सिर्फ आनन फानन में इसलिए हुआ, इनको कहीं ना कहीं हमने अनाउंस किया था कि हम मोदी जी का और अमित शाह जी का विरोध करेंगे। इनको लगा कि मोदी जी की रैली है, इन्होंने पहले 4 दिन पहले एक शगुफा छोड़ दिया, र्यूमर फैला दिया कि मोदी जी डेली वेजर के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, चाहे इनके स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी हों या इनके स्पोक्स पर्सन अभिनव शर्मा जी हों, कविंदर जी हों, सब ने मीडिया में एक र्यूमर फैलाया कि मोदी जी कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं ताकि डेली वेजर गुमराह हो जाए और डेली वेजर कोई ऐसा कदम ना उठाए। और दूसरा, वहाँ पर आप देखें जब रैली की, हम तो गए नहीं लेकिन जो लोग गए थे उन्होंने बताया कि वहाँ किसी को भी काला रुमाल, किसी को काली साक्स पहन के अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि डेली वेजर का डर उनके ऊपर था। दूसरा, हमने पहले ही बताया था, जैसे अमित शाह जी का दौरा अनाउंस हुआ था 8 मई को, वो जम्मू में आने वाले थे, पीपल कोई इनकी जेके पीपल फोरम की रैली को अनाउंस करने वाले थे, लेकिन आज ऐसा मीडिया में हमने एक दो चैनल के ऊपर देखा है कि उनका दौरा कैंसिल हो गया। प्रशासन डर चुका है डेली वेजरों से इस वक्त, ये दबाव इनके ऊपर साफ झलक रहा है क्योंकि इनको आनन फानन में दौरा कैंसिल करना पड़ा। लेकिन मैं अपने डेली वेजर साथियों को एक मैसेज आपके चैनल के माध्यम से जरूर देना चाहूँगा, खासकर जो जम्मू के सराउंडिंग एरिया में है, आपको अलर्ट रहना है। हो सकता है कि प्रशासन हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे और ये चुपचाप अमित शाह जी का दौरा करवाना चाहते हों, क्योंकि ये बहुत बड़ा दबाव इनके ऊपर है और हमें अलर्ट रहना है। आपको कभी भी मैसेज आ सकता है, फ़ोन कॉल आ सकती है, हमें अगर वो जम्मू में आते हैं तो हमारा विरोध जरूर होगा, चाहे हमारा 200 आदमी पहुंचे, चाहे 400 पहुंचे, लेकिन अमित शाह जी का विरोध जरूर होगा, क्योंकि ये लोग क्रेडिट लेने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे 75 रुपये का क्रेडिट डिंडोरा पीट रहे हैं, 202 जम्मू प्रशासन ने ख़त्म किया, आपने देखा होगा बड़े बड़े होर्डिंग लगे, बीजेपी, अगर 202 लाने वाला कौन था, बीजेपी और पीडीपी की सरकार, जम्मू प्रशासन ने उसको रिवोक कर दिया और बीजेपी ने बड़े बड़े बैनर लगा दिए कि 202 हमने रिवोक करवाया। ठीक है, अच्छी बात है आपने करवाया, लेकिन जब कोई गलत होता है तब ये कहते हैं हमारी सरकार नहीं है, जब इनको किसी चीज़ का क्रेडिट लेना होता है तब ये कहते हैं हमने करवाया। अब जैसे पिछले दिनों इनकी स्टेटमेंट आ रही थी कि जी जो केंद्र सरकार जम्मू में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, अगर जम्मू प्रशासन ही सारे फैसले ले रहा है तो फिर जैसे मेयर साहब कह रहे हैं कि हमने 60 लोग परमानेंट कर दिए, तो फिर ये प्रशासन को क्रेडिट जाती है ना कि बीजेपी को। 75 रुपये बढ़ाए फिर ये प्रशासन को क्रेडिट जाता है ना कि बीजेपी को, क्रेडिट लेने के लिए इनको याद आ जाता है कि ये काम हुआ हमने क्रेडिट लेना है। 12,000 का सारे गीत गा रहे हैं बीजेपी के लीडर कि हमने पीडीडी का 12,000 डेली वेजर परमानेंट कर दिया, लेकिन आज तक सिंगल एक भी किसी डेली वेजर का ऑर्डर नहीं हुआ, सिर्फ गुमराह करने की सियासत हो रही है। और ये जैसे आपने इलेक्शन का जिक्र किया तो मैं अपने साथियों से एक बात और कहना चाहता हूँ, हमें इलेक्शन से पहले रेगुलाइजेशन चाहिए, केंद्र का कोई भी मिनिस्टर आए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सीधी चुनौती है, कोई भी केंद्रीय मंत्री जम्मू में आएगा उसका डटकर विरोध होगा, क्योंकि इस बार पॉलिटिकल पार्टी कोई आपकी टक्कर में नहीं है, जो आप कहते हो कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, सच्चाई है कि पॉलिटिकल पार्टी आपके किसी भी टक्कर में नहीं है, लेकिन इस बार 61,000 डेली वेजर आपकी टक्कर में खड़ा है, आपको 61,000 लोगों का विरोध सहना पड़ेगा। अगर इसके लिए तैयार हो तो तैयार रहो, लेकिन अगर चाहते हो कि आप अच्छी तरह से इलेक्शन कंटेस्ट कर पाएँ, जो आप ख्वाब देख रहे हो 50 पार का, अगर वहाँ के करीब करीब पहुँचना चाहते हो तो डेली वेजर का मसला हल करो, अदरवाइज इनका विरोध सहने के लिए तैयार रहो। ये तो कह रहे थे कि हम सोच रहे हैं इस मसले पर, थोड़ा सा छोटा मोटा काम इन्होंने करके दिखाया कि नहीं हम कर रहे हैं, इससे क्या लग रहा है कि इलेक्शन में आप लोग वोट ले पाएंगे आपका कि नहीं? देखिए, अगर हमारी रेगुलाइजेशन होती है तो वोट 100% मिलेगा, अगर हमारी रेगुलाइजेशन नहीं होती किसी वजह से, हम तो यही चाहेंगे कि ये हमारा काम करें और दोबारा सत्ता में आए, हमें कोई पॉलिटिकल लाइन में नहीं जाना है कि हम इनका पॉलिटिकली तौर पे विरोध करेंगे, हमें हमारी नौकरी अपनी जॉब से मतलब है, हमें हमारे बच्चों की एजुकेशन से मतलब है, ये हमारा काम करें, हमारी रेगुलाइजेशन करें, हम इन्हीं को वोट देंगे, इनका ही साथ देंगे। लेकिन अगर ये सोचें कि जिस तरीके से इन्होंने पिछली 3 बार इन्होंने मैनिफेस्टो में रख के वादे किए और वोट लेने के बाद ये भूल गए, अब ऐसा नहीं होगा, अब इनको चाहिए कि किस तरीके से चलना है,
तो हम अपील भी करते हैं लोगों से कि हमें इतना मजबूर ना करें, हमें कोई आपसे पॉलिटिकल दुश्मनी नहीं है। क्योंकि एक तो होता है कि पॉलिटिकल विरोध होता है पॉलिटिकल पार्टी का दूसरी पार्टी के खिलाफ, लेकिन हमारा ना किसी से कोई पॉलिटिकल विरोध है, ना हमें पॉलिटिकल लाइन में जाना है, हमें सिर्फ हमारी रेगुलाइजेशन तक मतलब है। आप आज हमारी रेगुलाइजेशन कर दो, हम आपका कल वेलकम करेंगे, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, लेकिन रेगुलाइजेशन के बिना आप लोगों के लिए रैलियाँ करना मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए कंपेनिंग करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये वो पुराने लीडर नहीं है कि जो अपने लीडर बन के कुछ एजिटेशन को लीड करते थे, हम कार्यकर्ता बन के लड़ रहे हैं अपने हक के लिए और अपने बच्चों के हक के लिए, और बच्चों का हक उनकी एजुकेशन के लिए, उनके राइट्स के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, किसी को माफ़ नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो। अगला प्रदर्शन कब होने वाला है? देखिए अभी फ़िलहाल हमारा फोकस 8 तारीख पर है जो परसों है, क्योंकि हमें अभी तक प्रशासन, मुझे लग रहा है, मुझे अपना दिल कहता है कि ये हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, र्यूमर फैला के कि अमित शाह जी का दौरा कैंसिल हो गया। शायद वो आनन फानन में उस वक्त ये दौरा करवाने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला फोकस जो 8 तारीख है, और मैं तमाम टेलीविजनों से एक बार फिर अपील करूंगा, आपको अलर्ट रहना है। अगर वो 8 तारीख को जम्मू में आते हैं तो हमारा जम्मू में 8 तारीख को उनका विरोध होगा। दूसरा, हमारा 12 तारीख तक अगर ये 4 डिवीजन जो मसला हमने कल म्यूनसिपालिटी को दिया है, अगर वो हल नहीं होता तो 12 तारीख के बाद हमारी जो कामचोर स्ट्राइक शुरू हो जाएगी, और आने वाले थोड़े दिनों के अंदर, जैसे ये पहले 4 डिवीजन की शुरू होगी, उसके बाद पूरे जम्मू प्रोविंस में ये स्ट्राइक शुरू हो जाएगी, और उसके बाद जो हालात भी जम्मू में बनेंगे उसके लिए या तो बीजेपी पार्टी जिम्मेदार होगी जम्मू कश्मीर की, या एलजी प्रशासन। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। धन्यवाद, शुक्रिया सर। तो ये मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि किसी को गुमराह किया जाए तो हमें लगता है कि थोड़े समय तक गुमराह किया जा सकता है, लेकिन ये लोग काफ़ी लंबे समय से गुमराह होते आए हैं। पहले पहली सरकारें मूर्ख बना रही थी और अब ये वाली, तो अब ये कह रहे हैं कि आप हमारा मसला हल कर दो वरना इलेक्शन के दौरान मुश्किल हो सकती है। बाकी इस खबर के ऊपर आप भी अपनी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।